कैसे हो दोस्तों, मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका कहानियों के इस अद्भुत संसार में। मैं कहानियां सुनाता हूं, जुगनू हूं, रोशनी दिखाता हूं। जंगल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तब तक जब तक कुछ मदारी जंगल के इर्द गिर्द आकर रहने नहीं लगे। मदारियों के आने से बंदरों के समूह में भगदड़ मच चुकी थी, क्योंकि एक एक करके बंदर जंगल से कम हो रहे थे। आज उन वानरों ने अपनी सभा बुला रखी थी, जिसमें इसी विषय पर चर्चा करनी थी कि इन मदारियों से कैसे बचा जाए। अपने अपने हिसाब से सभी अपना सलाह मशवरा जो मुखिया को देते हैं, लेकिन मुखिया को किसी की भी बात पसंद नहीं आती। धीरे धीरे करके बात इस मुकाम तक पहुंच जाती है कि हमें बंदरों को जागृत करना होगा, हमें उनको एक अवेयरनेस देनी होगी, उनको ज्ञान देना होगा, ताकि जब भी मदारी अपना जाल बिछाएं बंदर उसमें ना फंसें। तो ये तय होता है कि सभी को ज्ञान दिया जाएगा और सभी को ये बताया जाएगा कि मदारी आता है, हमें फंसाता है, पूरा जीवन नचाता है, इसलिए हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। वो ये निर्णय करते हैं कि ये बातें सभी बंदरों को सिखा दी जाएं कि मदारी आता है, हमें फंसाता है, पूरा जीवन नचाता है, जिससे हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर ये सभी बातें हमारे छोटे से लेकर बड़े बंदर सभी सीख लें तो उनको ये बात याद रहेगी और वो कभी भी मदारी के जाल में नहीं फंसेंगे। तो कुछ ही हफ्तों में ये जो पाठ है ये सबको पढ़ा दिया जाता है। अब एक दिन मदारी उन बंदरों को फंसाने के लिए अपना फंदा कंधे पर लिए जंगल में आता है। तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ती है कि बंदर बोल रहे हैं कि मदारी आता है, हमें फंसाता है, फिर पूरा जीवन नचाता है, इसलिए हम अपना जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मदारी परेशान हो जाता है कि यहाँ तो सभी जो बंदर हैं इनको जागृति हो चुकी है और ये मेरी चाल को समझ चुके हैं, आज कोई बंदर फंसने वाला नहीं है। लेकिन अब जंगल में बहुत वो भीतर जा चुका है, अब वो करे तो करे क्या, अब उसका भी कर्म है। तो वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपना फंदा यहाँ पर लगा ही जाता हूँ। वो फंदा लगा कर चला जाता है। अब जब वो शाम को वापस आता है तो उसकी हैरानी की हद नहीं रहती, जब वो देखता है कि आगे जब वो अपना फंदा लगाता था तो उसमें एक या दो बंदर फंसे होते थे, लेकिन आज तो कम से कम 10-12 बंदर फंसे हुए हैं। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात उसे तब लगती है जब वो फंसे भी कह रहे हैं, फंसे भी हुए हैं जाल में, फिर भी कह रहे हैं कि मदारी आता है, हमें फंसाता है, पूरा जीवन नचाता है, हम नहीं फंसेंगे, हम उसके जाल में, उसके फंदे में नहीं फंसेंगे। तो वो उन सभी को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वो उनको ले जाता है, लेकिन वो अपने दिमाग में सोचता है कि आखिर ये बात क्या हुई। तो देखा दोस्तों आपने कि जैसे उन बंदरों को शाब्दिक ज्ञान तो उनके जो पूर्वज थे या उनके जो मुखिया थे, जो उनके बड़े थे, उन्होंने करवा दिया, लेकिन उनमें व्यवहारिक ज्ञान की कमी रही। अब ये शाब्दिक ज्ञान क्या है, व्यवहारिक ज्ञान क्या है? शाब्दिक ज्ञान वो है जो हम सिर्फ सुनकर अपने मुख से बोलना शुरू कर देते हैं, और व्यवहारिक ज्ञान वो है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, हमारे हैबिट माइंड में रहता है, जिसकी वजह से हम जिंदगी में व्यवहार करते हैं। दोस्तों, हम भी तो ऐसा ही करते हैं। हम या हमारे बच्चे भी यही कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम आज से सुबह जल्दी उठेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, माँ बाप का कहना मानेंगे, या हम कहते हैं कि हम बच्चों के साथ प्यार से बात करेंगे, उनको डांटेंगे फिटकारेंगे नहीं, उनको हम परेशान नहीं करेंगे, उनको हम किसी तरीके से डिटीरियोरेट नहीं करेंगे, और अपने जो भाई बहन हैं उनसे हम अच्छे से बात करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ शाब्दिक ज्ञान होने की वजह से हमारी ज़िंदगी में कभी भी दिखती नहीं है, सिर्फ हमारी ज़ुबान तक रह जाती हैं। तो जब तक ये बातें हमारे व्यवहार में नहीं आती, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न के रूप में, आदतों के रूप में नहीं जाती, तब तक हम जो ये कहते हैं वो चीज़ें पूरी नहीं कर पाते। तो आइए, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने ज्ञान को शब्दों तक सीमित ना रखें, बल्कि उन शब्दों की प्रैक्टिस करते हुए हम उस ज्ञान को अपने कर्म में ढाल लें, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि इस कहानी से आपके दोस्तों, मित्रों, नियर एंड डियर की ज़िंदगी में बदलाव आए और वो भी समझ सकें कि व्यवहारिक ज्ञान क्या है और शाब्दिक ज्ञान क्या है, तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, लेकिन अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही मोटिवेशनल, ज्ञानवर्धक और उत्साहपूर्वक कहानियाँ लेकर समय समय पर आता रहता हूँ। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय भारत।